हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है इंडियन बैग ड्राइविंग गेम के एक नए एपिसोड में। गाइस, आज के एपिसोड में हम एक नया वाला घर लेंगे, एक नया वाला हाउस लेंगे। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं बहुत दिनों से एक ही घर में रहता हूं, जिसके कारण आप लोग भी मुझे कमेंट करके परेशान कर चुके हो कि भाई नया घर कब लोगे। सो आज आपके बात को मैं मान लूंगा और एक नया घर खरीद ही लूंगा। सो भाई, आपको तो पता है कि घर खरीदने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, और भाई तेरे को तो पता है अपना भाई बहुत ज़्यादा गरीब है, अपने भाई के पास तो पैसा ही नहीं है, ना घर है ना पहनने के लिए कपड़े। अरे साला झूठ क्यों बोलता है, तेरे पास तो कपड़े तू पहना है और ये तेरा तो कार शोरूम है ना भाई, तू गरीब कैसे हुआ। अरे भाई थोड़ा सा गरीब तो मैं है हूँ ना, देख रहे हो बस दो ही स्कॉर्पियो बेच रहा हूँ बस अभी तक की बस। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक नया घर लेने वाले हैं और घर लेने के लिए चाहिए पैसा। सो जैसा कि गाइस आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने एक बंदे के घर से फेरारी चोरी किया था, सो आज के वीडियो में मैं उस फेरारी को सेल करने वाला हूँ, बेचने वाला हूँ, और उससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, मैं उसी से घर लेने वाला हूँ। सो भाई, आप तो आपको समझ में आ गया ना मैं घर कैसे लूँगा। सो सबसे पहले आपको मैं वो फेरारी भी दिखा देता हूँ, मैंने उसका कलर वलर सारा कुछ चेंज करके नया बिल्कुल बना दिया है। सो भाई, ये है वो वाला फरारी जिसे मैंने चोरी किया था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं इसे चोरी किया तो वो ये येलो कलर का था, लेकिन मैंने इसका कलर वाला चेंज करके बिल्कुल वाइट कलर का बना दिया है, और भाई मुझे तो वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अभी जो है गाइस, मुझे इस कार को जैक के घर पे डिलीवर करना है। जैक नाम के बंदे ही ने इस कार को ख़रीदा है, सो अभी मुझे उसके घर पे डिलीवर करना है, और पैसा जो है गाइस मुझे मिल चुका है। सो अभी मैं जैक के घर जाऊंगा और इस कार को डिलीवर करेंगे, और फिर तो गाइस हम लोग जाएंगे घर खरीदने। भाई आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, तो भाई वीडियो पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब। सो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको आज का अपना पूरा प्लान बता देता हूँ कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग जैक के घर पे इस फेरारी को डिलीवर करने वाले हैं, और दूसरा गाइज हम लोग अपने लिए घर खरीदने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। भाई घर खरीदने का प्लान मेरा कैसे बना ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हुआ ये गाइज कि हमारे शोरूम के बगल में ही एक अंकल रहते थे जो अब इस शहर को छोड़ना चाहते हैं, और उनका एक छोटा सा घर है गाइज जो वो बेचना चाहते थे, और उनके साथ उनके पास गाइज एक सुपरा कार भी था, तो वो भाई ऑफर निकाले थे कि जो भी इस कार को मैंने घर को खरीदेगा उसे सुपरा कार फ्री में मिलेगा। तो भाई मैंने सोचा भाई घर का घर भी मिल जाएगा और सुपरा कार भी मिल जाएगा, और भाई बहुत ही सस्ते में उन्होंने उस घर को बेच दिया, तो मैंने भाई उस घर को खरीद लिया, और आज हम उसी घर में रहने वाले हैं, उसी घर में अब हम रहेंगे। सो भाई फाइनली अभी हम लोग जैक के घर पर भी आ गए, यही है जैक का घर, अंदर मुझे इस कार को ड्रेवल कर देना, और फिर मैं गाइज हम जाएंगे घर खरीदने। तो भाई ये है जैक का घर, और अभी मैं इस कार को यहाँ पे ड्रेवल कर देता हूँ। जैक ने ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिया था इस कार का पूरा का पूरा। सो भाई अब हम जाएंगे घर खरीदने, लेकिन भाई हम पैदल तो जाएंगे नहीं, हमको अपना फेवरेट कार मंगाना पड़ेगा चीट को डायल करके। भाई अभी मैं चीट को डायल कर लेता हूँ 20-20, और भाई 20-20 डायल करते हमारे सामने हमारा फेवरेट कार आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये है हमारा फेवरेट कार, और इसी कार से गाइस अभी हम लोग घर खरीदने जा रहे हैं। भाई बिल्कुल शोरूम के बगल में ही है, आप लोग ने देखा भी होगा पहले भी, अभी हम जा रहे हैं उसी घर पे। और भाई मैंने आप लोग को एक बात और भी बोला था कि मैं एक नया वाला कार का शोरूम खोलूँगा, सुपर कार का शोरूम खोलेगा। भाई ये भी बात सही है, और मेरे पास गाइज पैसा न होने के कारण मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी मेरे पास पैसा था पर गाइज मैं एक नया घर खरीद रहा हूँ, जिसके कारण मैं सुपर कार का शोरूम नहीं खरीद सका, और इतने पैसों में सुपर कार का शोरूम हो भी नहीं पाता। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो तक मैं सोच रहा हूँ कि एक सुपर कार का शोरूम खरीद ही दूँ, और आप लोग भी वहाँ से एक कार खरीद ही लो। सो भाई अभी हम जा रहे हैं घर खरीदने, और उससे जो घर खरीदने के बाद जो गाइज पैसा बचने वाला है उस पैसों से गाइज मैं एक शोरूम के लिए ज़मीन खरीदने वाला हूँ, और ज़मीन खरीदने के बाद भाई कार शोरूम खरीदने के लिए और सारा पैसा चाहिए, उसके लिए गाइज मुझे चोरी वोरी तो करना ही पड़ेगा तभी मैं ये कर पाऊँगा। जैसा कि आप लोग जानते हो फेरारी भी मैंने चोरी किया था, और इस बार गाइज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बड़े जगह पे चोरी करूँ जहाँ से मुझे बहुत सारा सुपर कार चोरी हो सके, और मैं उस सारे कार को बेच के एक बड़ा कार का शोरूम खरीद सकूँ। भाई पैसा तो लगेगा पर मैं ये करूँगा गाइज, मुझे सुपर कार का शोरूम तो खरीदना ही। सो भाई फाइनली मैंने उस घर पर आ गया जो मैं खरीदने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो गाइज कि सामने हमारा शोरूम है, और ये हमारा घर होगा जो मैं अभी खरीदने वाला हूँ। सो भाई चलो शोरूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं शोरूम के अंदर का नज़ारा। अरे सॉरी गाइज अभी घर के अंदर चलना, भाई मैं शोरूम में ही रहता हूँ ना तो मुझे शोरूम ही याद आता है। अभी हम घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं घर के अंदर का नज़ारा अपने नए घर का।
सो भाई सबसे पहले तो हम अपने सुपरा कार का दर्शन करेंगे। मेरे घर खरीदने का मेन मकसद सुपरा कार ही था, तो भाई ये है हमारा सुपरा कार जो मुझे आज घर के साथ गिफ्ट में मिला है। और इस कार को तो भाई मैं बहुत ही महंगे में बेचने वाला हूँ, मैं चला भी सकता हूँ पर मैं इसे बेचूंगा। तो चलो गाइस घर के अंदर चलते हैं और घर के अंदर का सेटअप देखते हैं। अरे भाई मारपीट मत कर भाई, सीधा रहा भाई, खड़ा रहा सीधा, अभी हम घर खरीदने आए। सो भाई ये हमारा छोटा सा घर। सो भाई ये है बड़ा सा बेडरूम जिसमें मैं बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से सो सकता हूँ। और यहाँ पे गाइज आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन भी देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप लोग गेमिंग खेल सकते हो। और यहाँ पे गाइज आपको एक बड़ा सा टीवी देख दे है जिसपे आप लोग वर्ल्ड कप भी देख सकते हो। और भाई इधर अनवारी है जिसमें मैं पैसा वैसा सारा कुछ रखने वाला हूँ। और इधर एक हॉल टाइप का जिसमें गाइज मुझे थोड़ा सा फर्नीचर लगवाना पड़ेगा। सो भाई ये हमारा छोटा सा घर जो मैंने आज खरीदा है। और हम लोग जो है गाइज अपने फेवरेट कार को यहीं पर पार्क करेंगे सुपरा के बगल में। उसे सुपरा तो मैं अपने शोरूम पे ही ले जाऊंगा। सो अभी मैं ले ही जाता हूं गाइज अपने शोरूम पे सुपरा को। सो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गाइज बाय बाय। और अभी मैं शोरूम